देने जो इतने व्यवस्थित ढंग से यहाँ बैठ के और जिन्होंने इतनी सारी संख्या में आके इतने प्यार से हम सबका स्वागत किया है, उसके लिए आपको मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ। उनके साथ साथ निवाई और निवाई के आसपास के मेरे सब भाई बुजुर्गण, उन लोगों को भी मैं सबसे पहले हाथ जोड़ करके धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतने जोरदार तरीके से और इतने प्यार से यहाँ आके एक दफा बहुत जोरदार स्वागत किया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। किसी ने मेरे से पूछा कि ये यात्रा आप क्यों कर रहे हो, मैंने सब लोगों को यही बात कही है, आप फोटोग्राफर प्लीज, वो महिलाएं आपके पीछे बैठी हुई है, उनकी प्रॉब्लम हो जाती है, आपको दोनों बैठ जाओ। थोड़ा सा बैठ जाओ, बस मुझे मालूम है कि मैं आपको परेशान करूं, बस आपको करना पड़ेगा ताकि इनको दिखाई दे। किसी ने मेरे से पूछा कि ये क्यों यात्रा कर रहे हो, क्योंकि जयपुर के अंदर तो अखबार में टीवी पे तो आ रहा है कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, तो जब सबको मालूम है कि सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो आपको इस गर्मी में सबके बीच में जाने की जरूरत क्या है। मैंने हमेशा अपने सरकार के टाइम में भी गर्मी के समय ही दौरा किया और इसलिए दौरा किया था कि सब मालूम पड़ जाता है जमीन पे कि वाकई में सरकार क्या काम कर रही है या नहीं कर रही है। इसलिए जब लोगों ने मेरे से कहा, मैंने चला के ये तय किया कि एक दफा हम पूरे राजस्थान के सातों संभाग के अंदर दौरा करेंगे और दौरा करके जनता के साथ आंखों में आंख डाल के रूबरू होकर मिलेंगे ताकि मालूम पड़े कि वाकई में जो जयपुर के अंदर कहा जा रहा है वो उनके यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं आपके पास भी पूछने के लिए आपके पास आई हूँ। पता किया मैंने आपके निवाई शहर के अंदर, बोला कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज के जो रस्तों के ऊपर मैं चली हूँ, भगवान मालिक है अगर यहाँ के सब रस्ते ऐसे ही, आपके अंदर के रस्तों की क्या हालत हो रही होगी जिसको स्टेट हाईवे कहते हैं। जयपुर से मैं निकली तो क्या बड़े आलीशान सड़क दिखने को, उसके ऊपर डामर लगा हुआ, ऐसा लगे कि कल ही लगाया है डामर उसके ऊपर, परंतु आगे चलो तो उखड़ा इधर उखड़ा उधर, बड़े बड़े पैच उसमें, और मैं तो ये मानती हूँ कि अभी तो बरसात ही नहीं हुई है, बरसात हो जाएगी तो इस सड़क का क्या हाल होने वाला है वो कुछ ही दिन में अपने को मालूम हो जाएगा। मैं नहीं समझती हूँ कि इस बरसात से आगे वो चल पकेगी, अगर इतने बड़े बड़े हिस्से उसके उखड़ उखड़ के निकल रहे हैं रस्ते के ऊपर। फिर जिस रस्ते से मैं चल के आई हूँ मुझे रोक रोक के पानी पीना पड़ा, जब भी प्यास लगी और मुझे पानी पीना था तो पानी तो मुंह में जा ही ना, जिस तरीके से रस्ते की वजह से रक्त तो वैसे ही उछलता है और उसके ऊपर आपका सड़क। मैंने कहा कि अगर ये सड़क है आप लोगों की तो भगवान ही मालिक है, इस क्षेत्र के अंदर तो ये दिखने वाली सड़क है, अंदर की क्या हालत होगी सड़क की मुझे तो आपसे पूछूंगी तो मुझे मालूम होगा। फिर उसके बाद बिजली की संकट, आज तो चमाचम बिजली आ रही है और मैं तो समझती हूँ कि ऐसा लगता है कि कभी किसी को बिजली की मुसीबत हुई नहीं है, परंतु मैं मुझे मालूम है कि आवाज जो पीछे आ रहा है उससे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि जनरेटर चालू चल। पता किया तो शहर में मालूम पड़ा, जगह जगह जहां भी रुके तो कहीं ये मालूम पड़ा कि जो मैंने स्पेशल महिलाओं के लिए सिंगल फेज बिजली करी थी, उस सिंगल फेज बिजली जो 20-22 घंटे अपने 2008 के अंदर आ चुकी थी और अगर 5 साल रुक जाती तो किसी को बिजली का संकट नहीं होता, ये मैं आपको कह सकती हूँ। सिंगल फेज बिजली जो आप तक 24 घंटे तक आ जाना चाहिए था वो आज सिमट के मैं समझती हूँ कि कहीं 8 घंटे आ रही है तो कहीं 6 घंटे आ रही है तो कहीं 5 घंटे आ रही है और वो भी ट्रिपिंग के साथ, तो मुझे मालूम नहीं कि कितना मैंने लोगों को महिलाओं को उससे फायदा हो रहा है।
परंतु किसानों का जब मेरे को मैंने पता किया तो किसानों ने तो मेरे को कहा ना 5 घंटे ना 6 घंटे, मुश्किल से 2, 3 या 4 घंटे, और वो भी जोरदार ट्रिपिंग के साथ। और किसान तो बहुत ही ज्यादा दुखी है अपने बिजली की व्यवस्था से। उसके साथ जब मैंने पूछा कि ट्रांसफॉर्मर, आपका ट्रांसफॉर्मर हमारे समय के अंदर 72 घंटे के अंदर बदला जाता था, अगर कोई गड़बड़ होती थी तो यहाँ भी आपका यही हाल होता होगा, सबने हाथ ऊपर करके कहा नहीं 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 ऐसा नहीं होता। आपके कहीं 1 महीना, कहीं 1.5, कहीं 2 महीना इसमें हमको मिलता है, और वो भी अगर हम रिश्वत देते हैं तो। और रिश्वत 10,000 में कहीं 20,000, कहीं 10,000, कहीं 25,000 तक भी गया हुआ है। ये स्थिति हमारी है। एक सवाईमाधोपुर से जब मैं निकल के आ रही थी तो एक किसान मुझे नीचे मिला, बूढ़ा सा किसान, उसके कंधे के पर लटका था मीटर, उसके हाथ में था बिजली के 2 बिल, और मेरे को रोक के गाड़ी से कहता है कि साहब हमारा कुछ मदद करो, ये तो मीटर मेरे कंधे पे है, ये बिल मेरे हाथ में है, और मेरे कनेक्शन ही नहीं है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये बिल कहाँ से आ रहे हैं। तो रात को ही मैंने बिजली घर में फोन किया और मैंने कहा कि इसको आपने बिजली के बिल दिए हैं, अगर कल सुबह तक इसको कनेक्शन नहीं मिलता है, इसका मीटर नहीं लग जाता है, तो हम लोग आएंगे वहां पे देखना क्या होता है। दूसरे दिन सुबह उसको सब बिजली मिल गई। मेरे को टेलीफोन करके कहता है भाई साहब आपने क्या कहा था, जो भी है हमारा कनेक्शन रातों रात लग गया। मैंने कहा एक के तो काम आ पाई। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग वायदा करते हैं और उसको पूरा नहीं कर सकते, क्या वो कुर्सी पे बैठे रहेंगे? बताओ माताएं बहने, कितनी शर्म की बात है कि आज आप लोग सड़क के ऊपर एक समय के बाद चल नहीं सकते। हमारी महिला, हमारी बच्चियां कहीं बाहर जाती हैं तो डर के मारे हमारा दिल ऐसा धड़धड़ करता है कि ये वापस सही टाइम पर लौटेगी कि नहीं, कहीं रास्ते में उसके साथ कितने छेड़छाड़ तो नहीं करी। आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, मैंने अत्याचार का अत्याचार कि वो मूक बधिरों के साथ, बच्चियों के साथ जो बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते, ऐसों के साथ 7-8 महीने से अत्याचार हो रहा है। ये सरकार उनको बचा नहीं पाई, और जब सरकार को मालूम पड़ा तो 30 अप्रैल से लेके आज तक उसको बंद रखा, क्योंकि राहुल गांधी घूम रहे थे, उनकी सीआर कैसे लिख जाती, तो उनको तो सीआर की मुसीबत थी, परंतु हमारी बहन हमारी बच्ची उसके ऊपर उनने रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। क्या ऐसा व्यक्ति या ऐसा मुखिया जो हमारी महिला के, हमारी बहू के, हमारी बिटिया के इज्जत को संभाले नहीं रख सकता है, और जिसको मैं समझती हूँ कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, ऐसे को उस कुर्सी पे बिठा के रखे। और ये अत्याचार निवाई में नहीं हो रहा, ये अत्याचार कोई गांव में नहीं हो रहा है, ये अत्याचार जयपुर में हो रहा है, जिस जयपुर के अंदर, जो जयपुर ये समझो हमारा सबसे मुख्य क्षेत्र है, ऐसी जगह के ऊपर हमारी महिलाओं के साथ ये हो रहा होगा, तो आप ये समझिए कि राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति हो गई। पानी के लिए मैं जहां जाती हूं सब लोग चिल्लाते हैं। अब मेरे पास यह है, शहर में बिजली का बहुत जोरदार संकट, अघोषित कटौती से सब लोग परेशान, आज भी दिन भर गाँव में बिजली नहीं थी। सही है, आज पूरे दिन आपके यहाँ बिजली नहीं थी। लगभग 10 बार बिजली गुल हुई, लोग इससे तरसते रह गए, किसी को जाके कह नहीं सकते, कोई सुनने को तैयार नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल का जोरदार संकट, फ्लोराइड की जोरदार शिकायत, बीसलपुर का पानी अभी तक नहीं मिल पा रहा है, और भाजपा ने इसके लिए जो वृहद योजना बनाई थी वो वृहद योजना भी पूरी तरह से आज कुछ बस्तियों में फ्लोराइड युक्त पानी पे भी मिल रहा है, उस पूरी तरह के उस स्कीम को इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। रेफरल अस्पताल, इसकी बदतर हालत, फिजिशियन नहीं, सर्जन नहीं, दवाइयां नहीं, जनरेटर नहीं, डीजल नहीं, एम्बुलेंस है ड्राइवर नहीं। तो आप लोगों को तो मैं दाद देती हूँ, आपके पास एम्बुलेंस तो है, भले ड्राइवर नहीं है परंतु एम्बुलेंस है, किसी के पास तो ड्राइवर भी नहीं, एम्बुलेंस भी नहीं। ऐसी भी जगह है जांच सुविधाओं के नाम पर मात्र एक्सरे और छोटी मोटी जांचें, और जयपुर के अंदर हल्ला मचा हुआ है कि हमने जगह जगह के ऊपर मुफ्त जांच और मुफ्त दवाई दे दी। अरे डॉक्टर नहीं है, अस्पताल सही नहीं है, तो कहाँ मुफ्त जांच और कहाँ आपको मुफ्त दवाई मिल रही? किसी को नहीं। आपको मिल रही है क्या? किसी को मिल रही है? मेरे को कह रहे हैं आपको नहीं मालूम, आपको खुश करने के लिए हाथ हिला देते हैं।
मेरे को खुश करने के लिए मत हाथ हिलाओ, क्योंकि आज मैं जो राजस्थान का जायजा ले रही हूँ, मैं देख के ये तीन संभाग के अंदर से निकल के आई हूँ। मेरे पास एक व्यक्ति नहीं है जिसने कहा हाँ हमको मिल गया। लोग कहते हैं मिल गया, परंतु किसको मिला मैं ये पूछना चाहती हूँ। इसके साथ मैं आपसे ये भी पता करना चाहती हूँ, कॉलेज की मांग है छोटी सी, मिल गया कॉलेज? 4.5 साल निकल गए, हम लोग कहते रहे कि हमारा कर दो कुछ, पर अभी तक कोई आपका वो नहीं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, सड़क की तो मैं आज कहना ही नहीं चाहती, को मैं तो अपने आंखों से देख लिया है, मुझे कुछ कहने से मतलब नहीं है, परंतु मैं आगे एक दो काम इतना ही कहना चाहती हूँ कि इनके स्कीम्स हैं कुछ। एक स्कीम आपके मैंने दवाई की तो पूछ ली, दूसरा मैंने कहा कि 1 रुपए किलो के हिसाब से किसी को मिल रहा है क्यों? किसी को एक को भी मिल रहा हो तो खड़ा होकर मेरे को कह दो भैया हमें मिल रहा है। किसी को बीपीएल के परिवार को किसी को मिला 50,000 रुपया, वहां पूरा का पूरा 50,000 रुपया किसी को मिला अपना मकान बनाने के लिए? क्योंकि अगर किसी को मिला है तो उसमें से उसको 40,000 रुपए मिलते होंगे, 10,000 रुपए 12,000 रुपए की रिश्वत है, तो जब आप रिश्वत निकाल लोगे तो उसके बाद मकान बनने का तो सवाल ही नहीं उठता है। क्या बनाओगे 30,000 में 38,000 में क्या बनाएगा आदमी? मुझे बताओ कोई भी किसान यार, मान चले थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाओ, एक मिनट, हाँ मैं आप कोई किसान है तो मैं ना पूछना चाहती हूँ, 1,50,000 रुपए का ऋण बिना ब्याज का सरकार ने कहा हम आपको किसानों को देंगे, कोई किसान है यहाँ जिसको 1,50,000 का ऋण मिला है? किसी किसानों ने मेरे को बताया सुधार माधोपुर और उसके आगे कि हमको 20,000 रुपए मिले, किसी को 30,000 रुपए मिले, माने 1,20,000 रुपए बीच में लोग खा जाते हैं। ये परिस्थिति है। और मैं आज पूछना चाहती हूँ कि एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी को आपने 5 साल दिए थे, भैरव सिंह जी को 7 साल दिए थे, और नहीं तो 55 साल अपन ने लगातार कांग्रेस की सरकार को राजस्थान के अंदर कुर्सी पर बिठाने का काम किया है। एक तरफ आपका मध्य प्रदेश, जहां 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश देश के नक्शे पे आके छा गया है, उधर आपका गुजरात, 15 साल के अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री ने गुजरात के मने नक्शे पे तो नहीं दुनिया के नक्शे पे ला के रख दिया है, वो गुजरात का मामला है। सब लोग कहते हैं, मैं जब लोगों के बीच में जाती हूँ तो सब मेरे को कहते हैं कि गुजरात जैसे बना दो। अब गुजरात जैसे बनाना चाहते हैं हम, पर गुजरात जैसे समय भी मिलेगा, गुजरात जैसे समय मिलेगा तो फिर तो बात हो सकती है। किसी के हाथ में जादू नहीं है कि उसको हम बदल सकें, परंतु 55 साल बहुत होते हैं, किसी के पास 55 साल हो जाए, अगर 15 साल में 10 साल में काया पलट हो सकता है तो 55 साल में आज तक क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न किसी ने पूछा है क्या? कोई पूछे तो सही। हमने जो आंख बंद करके उनको साफ दिया है, और जिस तरीके से उन्होंने हमारी सबकी भद पिटाई, जिस तरीके से राजस्थान को गड्ढे में डाल के रखा है, मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को उस कुर्सी पर बैठने का हक है? मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आपने मेरे को सरकार दी तो उस समय पूरी तरह से गड्ढे में पड़ा हुआ था राजस्थान, बीमारू कहलाया जाता था। हम लोगों ने उस बीमारू को पूरी तरह से उठा के मेहनत करके फिर से अपने पैरों पे खड़ा किया, और खड़ा करके अग्रणी प्रदेशों के अंदर लाने की कोशिश की, और मैं समझती हूँ कि आ भी जाती अगर 5 साल हम लोगों को मिल जाते, परंतु आज फिर से बीमारू प्रदेश के अंदर राजस्थान चला गया। हमने अपने समय के अंदर बच्चों को सबसे पहले रख के उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनका सब कुछ करके ये कोशिश की कि रोजगार उनको मिले, और रोजगार के तौर पे सरकारी नौकरी भी थी, गैर सरकारी नौकरी भी थी, हमने करवाई। हम ये पूछना चाहते हैं कि 4.5 साल निकल गए, न बिजली है, न पानी है, न सड़क है, न रोजगार है, न अस्पताल है, न टीचर है, बताओ भाई क्या है, क्या करके रखा है सरकार ने जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि वो हमारे बीच में आके हम हमारा वोट मांगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़ाई के सिवाय और कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार के सिवाय और कुछ नहीं किया। हमारे मुखिया ने अपने बेटों का तो होटल बना दिया, अपने परिवारों को खान दिलवा दिए, जो बचे कुछ परिवार है उनको प्रोफेसर के टीचर की नौकरियां दिलवा दी, जो देश का दामाद कहलाया जाता है रॉबर्ट वाड्रा उसको जमीन दिलवा दी आपके बीकानेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर। गरीब किसान के लिए तो जमीन नहीं है, परंतु ये बाहर के आने वाले लोगों के लिए बेशुमार जमीन, जितनी जमीन चाहिए, ये हजारों में नहीं, ये लाखों में नहीं, ये करोड़ों लाखों में आपका घोटाले हुए हैं इस राजस्थान के अंदर। वो पैसा सब आपका था जो इन सब के जेबों में चला गया। मेरे बारे में
बात करते हैं, मेरे लिए कहते हैं, माथुर आयोग खड़ा किया, अच्छा काम करने का यही होता है, अच्छा काम करो तो माथुर आयोग खड़ा हो गया, पूरे फाइल छान के रख दिए माता बहने, आपकी चुंदड़ी की कसम आज दिन तक एक उंगली नहीं लगा पाए और मैंने आपकी चुंदड़ी को पूरी तरह से उसकी इज्जत को रखते हुए वहां रखा। मैं ये कहना चाहता हूं ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा कल कहते हैं कि कालीन चुरा लिए, अब बताओ किस घर के हैं, मेरे घर में कालीन नहीं होगा तो किसके घर में कालीन होगा मुझे बताओ तुझे, कभी बोलता है कालीन चोर लिया, कभी बोलता है कुर्सी चोर ली, कभी बोलता है, मैं ये भी हद होती है। और मैं कहती हूँ कि ठीक है, एक बहू के नाते, एक बेटी के नाते और आपके परिवार के नाते मेरी इज्जत आपकी इज्जत और आपकी इज्जत मेरी इज्जत, हम लोगों को एक दूसरे की इज्जत के लिए खड़ा होना है, कोई ऐसा करे तो मैं समझती हूँ कि सामने ढाल जैसा परिवार खड़ा हो जाएगा, सभी लोगों को मालूम होगा। खुद तो ये सब करे और दूसरा ऐसा मरने की कोशिश करे, मैं ये पूछना चाहती हूँ, हम सब लोगों को कहना चाहते हैं कि दूसरे के तो माथे मर दो, और यही है कि माथे मरते रहोगे तो अपने जेब चुपचाप से भरते रहो, कोई देखता ही नहीं है क्योंकि वो तो उनकी तरफ देख रहा है, ये इनकी नई आदत है, रोज दिन पे उठ खड़े होके मेरे बारे में बोलेंगे। मैंने उनको हाथ जोड़ के सिर्फ इतना ही कहा कि मेरे बारे में मत बोलना, जितना समय आप मेरे को देते हो उतना समय राजस्थान को दे दोगे तो मैं समझती हूँ कि राजस्थान विकास के आगे आगे बढ़ जाए। रोज रोज मेरे ऊपर क्यों, 4.5 साल ऐसे ही निकाल दिए और 6 महीने बाकी हुए वैसे ही निकल जाएंगे, मुझे छोड़ दीजिए राजस्थान के बारे में बात करिए, आप संदेश लेके जा रहे हो लोगों के बीच में, मुझे छोड़ दीजिए राजस्थान की जनता को बताइए कि आपने बिजली का क्या किया, आपने रोड का क्या किया, आपने पानी का क्या किया, आपने अस्पताल का क्या किया और आपने टीचर का क्या किया, उनको जवाब इसी का चाहिए। बच्चे जानना चाहते हैं कि हमारे रोजगार का क्या हुआ, बच्चे जानना चाहते हैं कि हमारी माताएं बहनें जब सड़क पे जाती है तो उनके साथ अत्याचार होता है, उसके लिए कौन जवाब देगा। और हमारा किसान ये पूछना चाहता है कि जब हमको आप बीज की जरूरत पड़ती है, खाद डीएपी की जरूरत पड़ती है और जब फसल के लिए पैसे अच्छे की जरूरत होती है तब हमारी मदद करने के लिए कौन आता है, किसी ने आज आके मदद नहीं की। मां नरेगा की कहानी भी आपके सामने है, जब अपने समय का टाइम था आपको याद होगा महानरेगा में राजस्थान में सबसे नंबर एक पूरे देश के अंदर था, तो वो राजस्थान 26 लाख लोगों को नौकरी मिली थी और जो नौकरी लेता था उसको सबको उसके पैसे बराबर मिलते थे। आज 1,25,000 से भी कम लोगों को नौकरी मिलती है और मैं आपको बता दूं किसी को सही पैसा नहीं मिलता है, किसी को 37 रुपए, किसी को 40 रुपए, किसी को 20-25 रुपए और किसी एक केस में तो 1 रुपया, क्या मजाक है जी। और 13,000 करोड़ खा गए, इसका कोई हिसाब देने को तैयार नहीं। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, हमने सब कुछ देख लिया और अब एक नई चीज उतर के आ गई है, हमने सोचा कि सब कुछ देख लिया है परंतु एक नई चीज आई, इसका नाम है CBI। डरो भैया उस CBI से, क्योंकि अगर हम नहीं कर सकते, आपसे नहीं करवा सकते तो CBI को बुला के इसको डराओ, उसको डराओ, इसको बंद करो, उसको बंद करो। गुलाब जी जैसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही साफ सुथरा व्यक्ति है और पूरे दुनिया जानती है उसको, ऐसे व्यक्ति को कलंकित करने की कोशिश, हम लोग दोनों जन यात्रा कर रहे थे तो यात्रा को खत्म करने की कोशिश, ऐसे व्यक्ति को जेल में डालने की कोशिश, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे 10 आदमियों को आप जेल में डाल दीजिए, हमको खुद को डाल दीजिए, हम लोग लड़ते रहेंगे क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं, ये जनता की लड़ाई है और जनता की लड़ाई का लड़ने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं और हम लड़ेंगे उसको। सबको मैंने कह दिया, तुम्हारे साथ जितना नाटक करना है वो आप लोग सब कर लीजिए। और अब आ गया 6 महीने बाकी बच रहे हैं, 5 महीने बाकी बच रहे हैं, अब रेवड़ी बटेगी। रेवड़ी भी आती है, ये जो ये सब खा पाए वो तो खा लिए, जो नहीं खा पाए वो आपको वापस बांटने की कोशिश कर रहे हैं रेवड़ी। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये रेवड़ी बांटनी थी तो इन्होंने पहले 5 साल पहले शुरू क्यों नहीं किया, ये लास्ट में क्यों कर रहे हैं। हमने भामाशाह की योजना तैयार की थी, आपको याद हो, उस भामाशाह के अंदर हमने ये कहा था कि 50 लाख परिवार, उसमें BPL परिवार होंगे, उसमें SC, उसमें ST, उसमें लघु सीमांत और उसमें महिलाओं के द्वारा अकाउंट खोल करके हम लोग 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि के द्वारा हम लोग अकाउंट खुलवा के और 30,000 रुपए स्वास्थ्य बीमा के जरिए उस कार्ड के ऊपर आप लोगों को देंगे।
और उसके साथ साथ हमने ये तय किया था कि जो भी है पेंशन है सब चीजें जो भी वो सब चीज उस भामाशाह के द्वारा हम देंगे। तो करना था तो अभी चार महीने करने के बजाय उस समय जो भामाशाह योजना थी उस भामाशाह योजना के करोड़ों रुपया अभी भी बैंक में पड़े हुए हैं। अगर वही जनता को वो दे दिया होता तो चार साढ़े चार साल से आप लोग सबको उसका फायदा मिल रहा होता। यह बनी हुई स्कीम थी परंतु इसलिए बंद किया क्योंकि अगर चालू किया होता जिसके पैसे 800 करोड़ रुपए मैंने अलग से रखे थे अगर उनने चालू किया होता तो लोग कहते हैं तो वसुंधरा राजे की स्कीम है तो अपने को वसुंधरा राजे के नाम से कुछ नहीं करना है। इसलिए अपन ने उसको बंद कर दिया। अपने जो पे जेब में डालने थे वो सब जेब में डाल लिए और चार महीने पहले हमने रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया ये सोच करके कि पूरी जनता बिल्कुल समझती नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। इनको लगता है कि हम ही सबसे चतुर है। ये सब लोग जो बैठे हुए हैं इनको कुछ नहीं समझ में आती। मैं तो सब लोगों को कहना ये चाहती हूँ कि यही लोग हैं और ये सब समझते हैं। जैसे मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है पैसे पेड़ के ऊपर नहीं उगते वैसे हमने उनको ये जवाब दे के कहा है कि उसी तरीके से हमारे वोट भी पेड़ पे नहीं उगते। हम लोग देंगे सोच समझ के देंगे। हम अपनी ऐसी सरकार बनाएंगे जिस सरकार के अंदर हमारी आवाज होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस लड़ा लड़ा के जातियों को लड़ा के मजहब को लड़ा के अपना वोट लेती है और उस वोट के ऊपर 55 साल से राज करती आ रही है हमने कहा ये पूरा परिवार एक डोर में बंधेगा। 36 से 36 को हम एक साथ चलेंगे सब मजहब प्यार के साथ जुड़ेंगे और जब पूरा राजस्थान का परिवार चल पड़ेगा तो उसके विकास को कोई नहीं रोक सकता। भाइयों और बहनों कोई नहीं रोक सकता। रुकेगा तो तब जब हम एक दूसरे से लड़ेंगे जब हम कांग्रेस के चुंगल में फंसेंगे। ऐसी स्थिति नहीं आए यह आपको और हमको देखना है। अब मुश्किल काम है आपको परेशान करेंगे मेरे को तो कर ही रहे हैं मेरे साथियों को कर ही रहे हैं आपको भी दबाव डालेंगे आपको भी लुभाएंगे। क्या आप में इतनी ताकत है कि आप लोग ऐसी चीजों के सामने खड़े होने की ताकत रखते हो? है ताकत है तो हाथ पकड़ के मेरे को बताओ है ताकत। जब आपके बीच में आएंगे ये सब कहने के लिए आपके आप तैयार रहोगे उनको कहने के लिए अगर आवाज करते हो तो एक जोरदार नारा के साथ भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एक राजस्थान के नाम पे जो राजस्थान की वजह से हम सब एक नया राजस्थान बना के हमारी महिलाओं की इज्जत हमारे किसानों की इज्जत हमारे जन की इज्जत हमारे युवाओं की इज्जत उसको पूरी तरह से बना के एक नया राजस्थान बनाने का सपना करेंगे। तो राजस्थान के नाम पे जय जय राजस्थान।